कई बार हम लोग डिवोर्स के लिए जाते हैं जहां पर मेच्योर डिवोर्स या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स की बात होती है और सबसे परेशान करने वाली बात ये है पैसे कितने खर्च होंगे। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर वकील की फीस कितनी हो सकती है। ये मेरा या आपका इस वीडियो के हिसाब से एक अनुमानित मैं आपको बता दूंगा कि लगभग कितना पैसा आपका लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स में, उसके ऊपर भी अगर आप जाएंगे इस पूरे वीडियो तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि किन चीजों के ऊपर डिसाइड होती है लॉयर की एक्चुअल फीस। चलिए शुरू करते हैं और इसके साथ ही हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। आप अशोक पांडे के साथ इस वीडियो में हैं। चलिए शुरू करते हैं कि फैक्टर्स क्या रहेंगे। सबसे पहला फैक्टर वकील की फीस डिसाइड करने से पहले, लॉयर की फीस के पहले, नेचर ऑफ केस। म्यूचुअल डिवोर्स है या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स है। म्यूचुअल डिवोर्स आपसी सहमति से तलाक, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स लड़ झगड़ के तलाक लेना। म्यूचुअल डिवोर्स में आपसी सहमति से होता है तो आसानी से हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता, प्रक्रिया आसान है, इस वजह से पैसे भी कम लगते हैं। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, बहुत सारी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, समय काफी ज्यादा लग जाता है, मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ जाती है, पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो ये नेचर ऑफ केस के ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा कम और ज्यादा किस केस में लगेगा। सबसे पहले तो आपका म्यूचुअल डिवोर्स है तो कम पैसा लगेगा और कॉन्टेस्टेड डिवोर्स है तो पैसे ज्यादा लगेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो डिटर्मिनेशन है, जो फॉर्मुलेशन है, वो उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है। इसके साथ ही कई बार लॉयर की फीस उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। मुझे एक्सपीरियंस कम हो सकता है, 6 महीने का, साल भर का, 5 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस है। जो ऑपोजिट काउंसिल है उनका एक्सपीरियंस 30 साल का है, वो 30 साल से वकालत कर रहे हैं, उनका नॉलेज काफी ज्यादा है, समय ज्यादा दिया, ऑब्वियस उनकी फीस ज्यादा हो सकती है। उनकी फीस अगर मुझसे 4 गुना 3 गुना 2 गुना ज्यादा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने इतना समय डिवोट किया प्रोफेशन के लिए, तो इतनी फीस लेना भी उनका हक बनता है, अधिकार बनता है। और डिपेंड भी करता है लॉयर टू लॉयर, हो सकता है मैं आपका केस फ्री में कर दूं, ऑपोजिट काउंसिल उसी के लिए आपसे 1 लाख रुपए मांगे, तो डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर। लेकिन उसके बावजूद नेचर ऑफ केस काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि ये म्यूचुअल डिवोर्स का केस है या कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स है तो कम पैसे लगेंगे, कम समय लगेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स है तो ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो एज ऑब्वियस पैसे ज्यादा लग जाएंगे। इसके साथ में लॉयर की फीस कई बार उनके एक्सपीरियंस के ऊपर तो डिपेंड करती ही करती है, उसके साथ उनका नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर फील्ड में इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लॉयर्स कई बार फीस डिटरमाइन करने से पहले केस को बारीकी से समझते हैं, सारे स्टेप समझते हैं, क्या चाइल्ड कस्टडी का केस इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस का केस इन्वॉल्व है, एलिमनी का केस इन्वॉल्व है, या विजिटिंग एक्सेस राइट का केस इन्वॉल्व है, या एंट्री में एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम लोग को काम करना पड़ेगा इस केस में। जो ऑपोजिट काउंसिल है वो अर्निंग है, मतलब जो ऑपोजिट काउंसिल के जो क्लाइंट है, मतलब ऑपोजिट पार्टी, वो अर्निंग है या नहीं, पैसे कमाता है या नहीं, नौकरी करता है या नहीं, ये सारी चीजें भी जैसे मेंटेनेंस या कस्टडी या बाकी एप्लीकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो लॉयर इन सारी चीजों में डिटेल में जाते हैं, उसके बाद एक अपनी अप्रोक्सीमेट फीस आपको बता देते हैं, और यही अप्रोक्सीमेट जो फीस होती है वो आपको आपके पूरे केस के दौरान उन्हें पे करनी है। तो दोस्तों एक अनुमान के हिसाब से अगर बात किया जाए तो लगभग जो डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग होती है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, लॉयर आपको 2000 से लेकर 5000 रुपए तक अनुमानित चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हियरिंग होती है, हर हियरिंग में आपको 5 से 10 हजार या 10 हजार से 20 हजार रुपए आपको एक अनुमानित म्यूचुअल डिवोर्स का खर्चा आ सकता है। कुल मिला के 10 हजार से 30 हजार हम अगर बोले तो गलत नहीं है पूरे म्यूचुअल डिवोर्स केस का। लॉयर टू लॉयर पे डिपेंड करता है, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई लॉयर आपका काम फ्री में भी कर सकता है, किसी को आपको इसी काम को करने के लिए 5 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके और आपके लॉयर के बीच में। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स का केस कुछ अलग होता है, जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादा मेहनत, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा टाइम, ये सारी चीजें लगती है। इस हिसाब से अगर हम लोग पैसे की भी बात करें तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में कम से कम 20,000 मैक्सिमम आपके, समझ के रखिए आपके 50 से 70 हजार रुपए तक भी खर्च हो सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि आप किस शहर में अपना केस कर रहे हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में अपना केस कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पैसे कम लगे। आप मुंबई या दिल्ली या कोलकाता या चेन्नई में अपना केस करेंगे, बैंगलोर में केस करेंगे,
आपके पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे, बड़े शहरों में बड़ा पैसा लग जाता है। कई सारे डेरिवेटिव्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से लॉयर की फीस डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि कितने से कितना पैसा लग सकता है। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 10 से 30 हजार और कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए 20 हजार रुपए से लेकर 50 से 60 से 70 हजार रुपए तक देने पड़ सकते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं, उसको भी जरा ध्यान में रखिए। इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर किसी अच्छे लॉयर से बात करने, किसी अच्छे वकील को चुनने से पहले आपको किन सारे पॉइंट्स के ऊपर, किन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा या देना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा खुद का एक ओपिनियन था, ये मैंने आपको कोई सजेशन नहीं दिया, ये मेरा एक ओपिनियन था जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शेयर किया। आप सभी ने जो कीमती महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।